नमस्कार किसान भाइयों, आज हम 2024 में मक्के की फसल की स्थिति दिखाने वाले हैं जो कि आपके सामने है और आप ही देखकर बता सकते हैं कि क्या स्थिति है इस वर्ष मक्के की। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 85 दिन से मक्के की फसल हो गई है। ये अलग वैरायटी है ये वाले खेत में और ये वाले खेत में अलग वैरायटी है। दोनों वैरायटियों के बारे में बात करेंगे आज आपके सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाले खेत में हमने 85 दिन प्लस की बोनी हो गई है, 85 दिन ही मान सकते हैं। भुट्टे की स्थिति देखिए, हमने इसमें धार विधि से बोनी किया था, दवा डाल दिया, दोआर खाद डाल दिया, फिर भी खरपतवार ख़त्म हो गई, फिर से निकल गई है। लेकिन वो वाली बात हमने पहले कर चुके हैं, लेकिन मेन बात में आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये धार विधि में बोनी किया है, पूरा कचरा हो गया है इसमें। और अब हम भुट्टे की जो स्थिति है उसके बारे में बताएंगे आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, दो पौधे लगे हुए हैं, तीन पौधे लगे हुए हैं, तीनों में भुट्टे दिख रहे हैं आपको। ये देख सकते हैं, इसमें अभी दाने आ गए हैं। इसमें अभी ये बहुत छोटा है, ये मीडियम बोल सकते हैं, ये भी मीडियम बोल सकते हैं। इस बार बड़े साइज़ के भुट्टे आए नहीं हैं। और ये देखिए, कुछ कुछ गिल्लियाँ भी हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर भुट्टा है, इधर देख सकते हैं। तो ये वैरायटी की बात करें कि हमने इसमें कौन सी वैरायटी लगाया, तो इसमें पानीयर 3524 लगाया है। और स्थिति देखिए, इस बार अधिक बारिश के कारण, ये देखिए, एक भुट्टे में ही पूरा भुट्टा जा रहा है, इसमें लाइनों की संख्या भी कम रहती है। ये देखिए क्या स्थिति है इस बार मक्के की, क्या उत्पादन आएगा किसान को इस बार। ये सब हुआ है अधिक बारिश के कारण। ये देखिए, एक भुट्टा भी नहीं आ रहा है, एक उंगली कह सकते हैं, डिच्चू कह सकते हैं। ये देख सकते हैं, भुट्टे का तो नाम ही रही है इस बार 2024 में, इतनी बेकार स्थिति हो गई किसानों की। लागत पूरी लगाया किसान ने, मेहनत पूरी कर दिया है, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल शून्य ही है, समझ सकते हैं। क्या लागत निकलेगी, हिसाब लगाया तो 15 से 17 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की लागत लगती है किसान की। बीज, खाद, बोनी, ये कटाई, तोड़ाई, ढुलाई, गहाई, मंडी तक ले आना, और ख़ुद की मेहनत तो किसान जोड़ता ही नहीं है कभी। स्थिति देखिए आप, बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्या प्रॉफिट हो जाएगा किसान को, ये देख सकते हैं। ये इतने इतने से भुट्टे हैं, इतने कमज़ोर भुट्टे तो बिना धार वाली फसल में हो जाते थे हमारे जो पिछले वर्षों में। और इस बार हमने धार विधि में बोया है, फिर भी दम नहीं है भुट्टे के अंदर। अभी हम खेत के अंदर बीचों बीच भी आ गए हैं, कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। और इतनी हैवी वैरायटी लगाए हैं पानी वाली की, चलिए भैया पिछले बार लगाया था तो थोड़ा ठीक ही उत्पादन मिल गया था, तो इस बार और अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से उत्पादन लगाएंगे, लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिल्कुल होता है उल्टा, खरपतवार भी निंदाई करवा दिए इसकी, जितना बजट रहता है पूरी जान लगा दिया है किसान ने। फिर भी देखी भुट्टे का साइज, देखी ऐसा लग रहा है कि ये भुट्टे की प्रजाति है ही नहीं, इतना अधिक घाटा हो गया है इस बार की कोई कह नहीं सकता। एक भी भुट्टा दिख जाए आपको तो, ये देखिए इतने छोटे छोटे भुट्टे दिख रहे हैं, क्या उत्पादन और क्या लागत निकलेगी किसान की। और भुट्टे की हाइट भी देखिए, 7 से 8 फीट तक चली गई है। हमने इसमें खाद भी रख दिया, एक बार यूरिया रख दिया, दूसरी बार MOP रख दिया और यूरिया भी रख दिया उसमें मिलाकर, उत्पादन मिल ही नहीं पाएगा ऐसे तरीके से। कोई नेगेटिव बात तो कर नहीं रहे हैं, यदि इसी में 3 गुना 4 गुना भुट्टा रहता, हेल्दी भुट्टा, तो किसान की लागत भी निकलती, मेहनत भी निकलती। ये देख सकते हैं, ये भुट्टा कह सकते हैं कि ये मीडियम हो गया, और ये मीडियम ही इस बार सबसे बड़ा समझ में आ रहा है। एक ही भुट्टा है ये, इसके बाजू के भुट्टे देखिए बिल्कुल छोटे छोटे भुट्टे डाले हैं। क्या लागत निकल जाएगी किसान की इस बार। अधिक बारिश अभी देखिए, कल भी 24 घंटे लगभग 30 घंटे लगातार बारिश हुई है, और कल दोपहर से खुला है ये मौसम, अभी खेत में चल सकते हैं, इतना गीला है। अब हम आपको बताएंगे कि कितना उत्पादन निकला है, क्योंकि हमने जितनी मेहनत करना था कर लिया है, लागत लगा दिया है। पौधे की स्थिति देखिए, कितना बारीक बारीक पौधे हैं, उंठी के बराबर पौधे हैं, और पौधे की मोटाई जबकि इतना रहना चाहिए, 2-2 इंच 3 इंच मोटा रहना चाहिए, गन्ने जैसा रहना चाहिए।
लेकिन है उंगली जैसा, तो कहाँ से फल फूल आएंगे। लागत पूरी लग गई है, देखिए इलियां वगैरह भी लग गई हैं। क्या करेगा किसान, पूरी मेहनत लगाने के बाद भी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है फसल में। इस बार जब फसल तोड़ेंगे गाहेंगे तब ऐसा लग रहा है कि 5-10 क्विंटल भी निकल जाए प्रति एकड़ में, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी किसान के लिए। लागत भी नहीं निकल पाएगी और खरपतवार ऐसी हो जाती है कि क्या बता दे किसान। इसमें भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। ये देख सकते हैं लास्ट में भी क्या दिशा हो गई है फसल की, पूरा खेत आर की पार कर दिया है हमने। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए। लाइक शेयर करने के लिए तो बोल नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति देखेगा किसान तो क्या लाइक शेयर कर देगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।